भोपाल के बीजेपी दफ्तर में खड़े ये महाशय जादूगर है। आपका कर्तव्य है मतदान केंद्र जाना है, आने वाली 28 तारीख को वोट देना है, कौन सी पार्टी को देना है मैं कागज में बताऊंगा। अस्तीन और कपड़े को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये तो आप कहोगे अस्तीन कपड़े से कोई छाना की करोगे। जो शिवराज की उपलब्धियां जनता के बीच बताने का तरीका बता रहे हैं। दोस्तों और भाइयों और मेरे प्यारे मतदाता साथियों, आने वाली 28 तारीख को मतदान केंद्र जाना है, कमल के फूल का बटन दबाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, शिवराज सिंह चौहान साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाना है, जो हमारे सीएम साहब 15 साल से हमारे क्षेत्र में। ऐसे में सियासी हलकों में ये चर्चा होने लगी है कि बीजेपी शिवराज सरकार को बचाने के लिए जादूगरों का सहारा लेने वाली है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जादूगरों की एक टीम भी काम करेगी, जो जनता के बीच जाकर जादू के माध्यम से शिवराज सरकार की उपलब्धियों को बताकर वोट मांगेगी। ये जादूगर पिछले सरकार की कमियों को भी जनता के बीच में बताएंगे। मैजिक शो का आयोजन खासकर ग्रामीण और सेमी अर्बन बाजारों में किया जाएगा, ताकि वोटरों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके। हालांकि पार्टी कितने जादूगरों की सेवा लेगी इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि जादूगरों का ये कैंपेन जल्द ही शुरू होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव पूर्व आए तमाम सर्वे इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि आम चुनावों से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर अपना मनोबल बढ़ाए। वहीं बीजेपी ने भी इन तीन राज्यों में सत्ता बचाए रखने को अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।